सूरजपुर के भैयाथान ब्लॉक में प्रस्तावित भास्कर पारा कोल परियोजना के लिए आज पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों का भारी विरोध भी नजर आया। दरअसल भास्कर पारा समेत आधा दर्जन गांव के 932 हेक्टेयर में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुली कोयला खदान प्रस्तावित है। ऐसे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के द्वारा शुरू से ही इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है, जहाँ क्षेत्रवासियों के द्वारा पर्यावरण और क्षेत्र के विकास में अवरोध पैदा करने वाले परियोजना को नहीं खुलने देने के लिए आंदोलन से लेकर हर तरह के प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जन सुनवाई के दौरान हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस परियोजना के कारण भारी संख्या में वृक्षों की कटाई होगी, सैकड़ों गांव सिंचाई के लिए प्रभावित होंगे। ग्रामीणों का कहना था कि पंचायतों को दी जाने वाली पर्यावरणीय आकलन रिपोर्ट क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी व हिंदी के बजाय अंग्रेजी में थी, इसका भी विरोध ग्रामीणों ने किया। वहीं प्रशासनिक दबाव के बीच जनसुनवाई चलता रहा, जहां कोल परियोजना के डायरेक्टर ने बताया कि जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया है, जिनका निराकरण कर दिया जाएगा। हम अपने पंचायत से ग्राम सभा में मतलब बोले तो प्रस्ताव दिए हैं कि यहां कोल माइन खदान नहीं खुलना चाहिए, और हम लोग हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सभी का मन है, विचार बनाए के बोले हैं कि वहाँ हम खदान नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हमारे पूरा गांव पूरा मतलब कि जमीन खदान पूरा दूषित प्रदूषित हो जाएगा, इसलिए हम लोग खदान खुलने के लिए अनुमति नहीं। इस जन सुनवाई का पूरे ग्रामीणों का और पूरे प्रभावित क्षेत्र के सभी ग्रामीणों का विरोध है, क्योंकि यह जन सुनवाई का स्थल ही इन कंपनियों के द्वारा गलत जगह चयन किया गया है, और इस प्रकाश इंडस्ट्री के नियत और नीति में ही खोट है, क्योंकि जो यह जन सुनवाई का स्थल है यह प्रभावित गांव से 10 किलोमीटर दूर है, जिससे वहां की जनता को इस स्थल तक आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर भी हजारों की संख्या में जनता आकर इस जन सुनवाई का विरोध कर रही है। आपने क्या क्या आपत्ति दर्ज कराई है जन सुनवाई की? इस जन सुनवाई में हमने मूलतः आपत्ति दर्ज कराई है कि इस परियोजना के कारण जो दो बांध हैं और सैकड़ों डबरी और तालाब हैं, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और ये जो प्रभावित क्षेत्र है इसमें जो वन संपदा है, औषधि पौधे हैं, जो पर्यावरण है, वह सब समाप्त हो जाएंगे। इन बिंदुओं के साथ हम सभी ने विरोध दर्ज कराया है। एक बुक भी इनके द्वारा छापी गई है जो अंग्रेजी में है, यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं। उस बुक को लेकर ही हम लोगों ने पहले सर्वप्रथम विरोध दर्ज कराया कि आप जो ज्ञापन दिए थे उस ज्ञापन में तीन भाषा का वर्णन किया गया था कि अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में आपको बुकलेट दिया जाएगा, जबकि इनके द्वारा सिर्फ एक भाषा अंग्रेजी में बुकलेट दिया जाना इनकी नीयत को स्पष्ट करता है। ये चाहते हैं कि गांव वाले कुछ भी ना समझें, कुछ भी ना पढ़ पाएँ और ना विरोध कर पाएँ, लेकिन फिर भी गांव में कुछ लोग जानकार हैं, उनके द्वारा उसको कुछ अवलोकन करके कुछ बिंदु बताए गए, जिसमें यह बताए हैं कि यहां का इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी कोल माइंस या कोई भी परियोजना नहीं है, जबकि इस 10 किलोमीटर क्षेत्र में पांडोपारा और झीलमिली दो कोयला खदान हैं, जिनका प्रदूषण इस क्षेत्र में यहाँ के क्षेत्रवासी झेल रहे हैं, और ये पुनः यह प्रकाश इंडस्ट्री के आके इस पर्यावरण को समाप्त करने का इनकी मंशा है। क्या लगता है कि प्रशासन के पूरे दबाव में यह जो जन सुनवाई चल रही है, ऐसा लग रहा है पुलिस व्यवस्था काफ़ी टाइट यहाँ पर दिख रही है? या पुलिस व्यवस्था करें या कुछ भी करें, जनता डरने वाली नहीं है। ये कितनों भी कुछ कर लें, लेकिन जनता अपना हक, अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए सजग और जागरूक है, और अपने हक अधिकार के लिए सतत लड़ती रहेगी, और इन जनताओं के साथ मैं भी स्वयं खड़ा होकर सदा इनका साथ देता रहूँगा, इनके कंधे से कंधा, इनके कदम से कदम मिला के इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और किसी भी तरीके से यहाँ पर माइंस डलने। प्रकाश सिंह, जिस परियोजना का इंचार्ज हूँ, और आज की जनसुनवाई पर्यावरण स्वीकृत हेतु आहूत की गई थी, सभी ग्रामवासियों ने सबने अपने टीका टिप्पणी सुझाव रखे, और मेन चीज़ उनकी चिकित्सा, स्कूल शिक्षा, ज़मीन को लेके, मुआवजा को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके थी, उसको हमने अपने लास्ट के उसमें संक्षेप में बताया, और विस्तृत जानकारी जैसे जिसका जो आया है वो सब क्षेत्राधिकारी हमको देगा, हम उसका लिखित में जवाब भी वहाँ पे देंगे, और सबके साथ मिलकर काम करेंगे,
अच्छे से खदान खोले। देखा गया कि लगभग जनसुनवाई में आए 75% लोग विरोध में नजर आए, तो किस तरह से मैनेज करेंगे आप लोग? नहीं, उनके जो सुझाव हैं, जो टीका टिक्कड़ी, उसका हम जवाब देंगे और उनकी जो तकलीफें हैं उनको हम सुनेंगे, उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जमीन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको जमीन बंजर हो जाएगा तो क्या? नहीं, जमीन क्यों बंजर हो जाएगी? मांगे रखी थी कलेक्टर के समय, हम लोगों ने खबर भी बनाई थी इसकी, तो किस तरह से इसको जमीन बंजर होने का मेरे को समझ में नहीं आता, कैसे जमीन बंजर हो जाएगी, क्यों हो जाएगी जमीन बंजर? हमने बताया कि जमीन, पहली चीज़ जो है, हम जमीन का कोई अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम जमीन का सतही राइट ले रहे हैं, मालिक आज वही हैं, कल भी वही मालिक रहेंगे। ये नया एक प्रावधान राज्य शासन ने किया है, उसके तहत हम मुआवजा भी उतना ही देंगे जितना कि जमीन को अधिग्रहण करने में मुआवजा मिलता है, उतना मुआवजा मिलेगा सभी को और ज़मीन उनकी रहेगी। और बैक फिलिंग करके हम टॉप सॉइल अलग रखेंगे, उसको ऊपर बैक फिलिंग करने के बाद टॉप सॉइल स्प्रेड करेंगे और ज़मीन खेती योग्य रहेगी। एक बुक आप लोगों की तरफ इनको दी गई है, जबकि आदिवासी क्षेत्र है, बुक को कोई पढ़ नहीं पा रहा है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। जो बताया गया कि बुक हमने दी है अंग्रेजी में दी है, EIA स्टडी जो है वो हमेशा अंग्रेजी में होती है, उसकी संक्षिप्त जो विवरणी है वो हिंदी में दी जाती है सभी ग्राम पंचायतों को और सबको दी गई हिंदी, उसी को हिंदी में देने का प्रावधान है, EIA स्टडी को अंग्रेजी में देने का नियम नहीं है। ग्राम पंचायत के सरपंच भी इसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने उनको, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर हमने उनको उस EIA स्टडी की संक्षिप्त विवरण करीब 10 पेज का हिंदी में बना के सारे ग्राम पंचायतों को दिया है। आज क्या निष्कर्ष निकला? नहीं, निष्कर्ष अच्छा है, बढ़िया, सबने अपनी बातें रखी और हमारे पास जो आएगा हम उसका टीका टिप्पणी देंगे, यहाँ से भारत शासन को जाएगा, जो उनके नियम शर्त होंगे उसका हम पालन करेंगे और खदान खोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट बात, इतनी बड़ी संख्या में आज पुलिस बल लगी थी, क्या नहीं पुलिस बल, ये तो हमारा कार्यक्रम है, तो शासन प्रशासन का कार्यक्रम है, ADM साहब आए हैं, SDM साहब हैं, क्षेत्राधिकारी आए हैं, ये तो उनकी सुरक्षा और वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है।